हरिजन समाज के लोग कहाँ वोट देंगे? हम तो देख ही रहे हैं कि आपसे सीधा बात बोले, हम साहु जी हैं, अपना हम लोग का एकजुट है। क्या नाम पड़ेगा? यादव जी हैं क्या? नहीं जी, अब मैं तो चमार जी हूँ। जानते होंगे पवन जी को, जान रहे हैं आप? हाँ भाई, पवन जी को सब कौन नहीं जानता है, पवन जी को सब कोई जानता है। अच्छे लगते हैं। देखिए बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है कि इनके घर के नज़दीक जो नली है, हमने कैद किया है कैमरे में, इनके घर के नज़दीक जो नली आपने देखा था, इन्हीं के घर के नज़दीक है। काहे ऐसा है आपका नली? तब काहे बार नेता जी साहब पक्का ना होना चाहिए था। तो कहाँ पक्का नेता करता पिछले बार किसको वोट दिए थे बताओ? नेता के रहे, नेता के रहे, हाँ किनको वोट दिए थे? के वोट दे रहे हो सांसद में? अच्छा रुक जाइए, इस बार किसे दीजिएगा कि वो बदल देगा? इस बार किसे दीजिएगा? केकरा के बोली के दही तार? तू केकरा के वोट देबू? आपके कोई बेरा खा हो के कर के दिए? कैंडिडेट बड़न राजा राम सिंह माले के बड़न, उपेंद्र कुशवाहा बड़न, एगो पवन सिंह बान निर्दलीय से, मतलब जब ले नाली गाली के ना से करही तब ले ना देब जा। हां पूर खड़हर भइजा, हम तो पानी जाम एकदम घर देर देखबत जो बनाएगा उसी को वोट देंगे। क्या बनाएगा? नली गली और बनाएगा तो उससे हम आपके पूरे वार्ड में या फिर आपके पूरे पंचायती में ये समस्या है? पूरा पंचायत वार्ड में धावेगा गाँव जितना है ना, पूरा धावा गाँव कहीं ना कहीं समझिए कि नली गली से परेशान है। धावेगा बस, और कौन गाँव नहीं है? सबसे ज्यादा 12 नंबर वार्ड है। सबसे ज्यादा 12 नंबर वार्ड, बाकी थोड़ा थोड़ा सब कुछ। आज 15 साल हो गया। ये युवाओं की आवाज है, कहीं ना कहीं सांसद साहब जब आते होंगे चार गाड़ियों के साथ, बॉडीगार्ड के साथ, बाउंसर के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से ऐसी ऐसी बात सुनने को शायद नहीं मिलता होगा, छूट जाता होगा, रह जाता होगा। लेकिन देखिए वीडियो के माध्यम से मीडिया के जरिए अपनी बात को रख रहे हैं कि किस तरीके से इसका समस्या है, सुना जाए साहब, क्योंकि एक्चुअल में जो समस्याएं हैं इनकी वो ठीक किया जाएगा, तो शायद से जो है बदलाव आएगा कुछ ना कुछ, है ना? पहले हम नहाते हैं, फिर वही वाला कचरा वाला पानी उठाकर फिर फेंकते हैं, तो नहाने के क्या फायदा? यानी पहले आप नहाते हैं, वही जमा हो जाता है पानी, तो फिर उसे मजबूरी में फेंकना पड़ता है, तो फिर नहाना और ना नहाने से क्या क्या पहले? ये सब समस्या है। चलिए युवा क्या सोचते हैं इस बार? किने जो हम लोग सोचते हैं उपेंद्र कुशवाहा को हराना है, हम लोग मिशन है उपेंद्र कुशवाहा का हराना है, और दो की लड़ाई में हो सकता है राजा राम सिंह है निकल जाए माले। अच्छा, कौन दो की लड़ाई में? उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की लड़ाई में। लड़ाई में तीसरा आदमी निकल जाए? हाँ, तीसरा निकल जाएगा। कुशवाहा जी को हराना क्यों चाहते हैं? कुशवाहा जी को हराना चाहते हैं, कुछ काम नहीं किया है, पिछले बार रह चुके, कहीं भी नहीं काम किया। चलिए देखिए हमारे क्षेत्र में, हमारा पंचायत जमुई पंचायत है, चलिए देख लीजिए, कहीं भी देखिए कुछ काम नहीं किया है। तो इस बार काम जो करेगा उसी को चुना जाएगा? हाँ, जिससे उम्मीद होगी ठोस, हाँ है ना? अरे उम्मीद तो पवन सिंह से है, लेकिन कोई जीतने तो जितने देगा तब तो। अच्छा, जितने देगा तब तो इतना मतलब सस्पेंस क्यों? सस्पेंस है, तीन को खिलाड़ी त्रिकोणीय, यहाँ का विक्रमगंज के, यहाँ की काराकाट के संसदीय क्षेत्र के बहुत त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है अब अगली बार, जो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, अपने ही लोग बट गए तीन तरफ, है ना? तो देखिए क्या होता है। पवन सिंह को कैसे देख रहे हैं, मतलब निकलने के चांस कितना? पवन सिंह जुआ नेता में अच्छा नेता है, नेता अच्छे है ना? हाँ, जीत जाएंगे तो ठीक है, उम्मीदें हैं। कौन पूरा करेगा, किसे वोट देंगे? हम लोग नवजीवक है, पवन सिंह को वोट देंगे, नवजीवक साथी हम लोग, पवन सिंह को देंगे। हाँ, पवन सिंह को वोट देंगे हम लोग। पवन सिंह अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कलाकार भी है, हम लोग जीवक भी है। पावर स्टार को पावर में लाना है, एकदम लाना है, राजनीति पावर में लाना है, एकदम लाना है। क्यों लाना है? नवजीवक है, नवजीवक है, अच्छे भी है। बाबूजी कूटेंगे फिर? नहीं कूटेंगे, कहीं और वोट देंगे, बच्चा कहीं और वोट देंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात है ना। हाँ, तो आप लोग है सो दीजिएगा पावर स्टार को? पावर स्टार को क्यों, क्या उम्मीदें हैं उनसे, क्या सोचे? उम्मीद ना बहुत बढ़िया है, हाँ सरकार भी है, अच्छे भी हैं, नजीवक भी हैं, हर चीज़ का अच्छा उनका है। आप अपना नेता किसे देख रहे हैं? आरजेडी को। आरजेडी को क्या नाम पड़ेगा? यादव जी हैं क्या? नहीं जी, अब मैं तो चमार जी हूँ। यादव मतलब? अरे जुआ है, हाँ। देश में जो 70 दिन में जो रोजगार दिए बिहार को, हाँ। जो युवा को नौकरी दिए 70 दिन में, यानी रोजगार के नाम पर वोट जाएगा जी, है ना? ये चीज संसद में ये जाएंगे पवन सिंह, तो नाच गाना नहीं करना है ना, राजनीति करना है, देश को भविष्य देखना है, हाँ। उससे युवा की पीढ़ी किस ओर जाएगा? संसद बनने के बाद कहीं ये त्याग देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, बदल भी जाएंगे, ये भी कोई जरूरी भी नहीं है, हाँ। अच्छा करना निर्दलीय है, हाँ। किसी दल के साथ भी नहीं है, हाँ। ऐसी है, पलटी मार भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। अगर वो दल से होते तब? दल से होते तो हम लोग सपोर्ट करते उनको, हाँ। दल से होते किस दल में आप देखना चाह रहे थे? आरजेडी। आरजेडी से अगर वो आते तब जी,
क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, कैसे देख रहे हैं अपना नेता, आप किसे चुनेंगे? पावर स्टार पवन सिंह जी को। पावर स्टार पवन सिंह जी, निर्दलीय हैं फिर भी? कोई बात नहीं, वही लड़ेंगे। हाँ, आवाज ले लेना जी। बोलिए, उन्हीं को चुनना है? क्यों चुनना? क्यों चुनना है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी किए क्या हैं जीत के भी? हाँ, कि पिछले बार भी लाखों वोट में अधिक वोट से वो जीते थे। हाँ, हाँ, जीते हैं, आए हैं एक बार भी नहीं। तब सब लोग ये कह रहे हैं कि हम उपेंद्र कुशवाहा जी अगर कुछ नहीं भी किए हैं तो वो एक दल से हैं और दल को सपोर्ट करना मतलब राष्ट्र हित में सही है, इसलिए राष्ट्र को बनाना है, मोदी जी को जिताना है। तो कैसे मतलब क्या? कोई बात नहीं, मोदी जी को जिताएंगे मतलब बीजेपी सही से बस है। हाँ। नहीं तो पवन सिंह भी निर्दलीय हैं, तो हम उनको भी जिताएंगे। निर्दलीय हैं? हाँ हाँ, फिर ये फैन फॉलोइंग है ना? एकदम देना है। हाँ, नीचे तो इस बार जीतेंगे वो तो। हाँ। जानते होंगे पवन जी को, जान रहे हैं आप? हाँ भाई, पवन जी को सब कौन नहीं जानता है, पवन जी को सब कोई जानता है। अच्छे लगते हैं? अरे अच्छे लगते हैं, कौन खराब है? खराब तो है नहीं, अच्छे है। आपका नाम क्या? हमारा नाम मंगलेश्वर सिंह है जी। वैसे हमारा नाम भोला सिंह भी लोग कहते हैं। और पूछिए क्या देख रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं? इलेक्शन का भी यहाँ पर शांत चुपचाप है। यहाँ पर जो पार्टी का जो कैंडिडेट है ना, वही इसके बाद अपना लोग मैक्सिमम वोट देंगे। अब उसमें पार्टी के जो लोग खड़ा है, मान ले के पार्टी को वोट जाएगा तो सब का इसे जो दल में रहेगा उसी। हाँ हाँ हाँ, निर्दलीय निर्दलीय क्या करेगा जीत करके भाई? वैसा है नहीं दबंग की अपना जीत जाए तो उसका एकदम उसमें पावर स्टार नहीं है। नहीं, पावर स्टार क्या करेंगे? अभी नया नया है, पावर स्टार क्या करेंगे जी? हाँ। कहने से हो जाएगा? नचनिया बजनिया वाला हाल होगा। हाँ। पार्टी से रहते तो उनको लोग वोट देता। अच्छा, तब ये चीज़ है, यही चीज है। और बेकार वोट देने पार्टी से बाहर होकर के कहीं ना कहीं वो गलती कर दी है। हमारे सिद्धांत से तो गलती ना किए हैं भाई। पार्टी में रहते उनको आसनसोल से दिया जा रहा था, नहीं लड़े अपना, फिर अपना पार्टी में मिलकर कहते नहीं हमको चेंज किया जाए, तो जब हो गया फाइनल तब कहाँ से? अभी उनका यहाँ फाइनल नहीं ना जी। लोग तो कह रहे हैं कि एकदम पवन जी जो है एकदम बहुमत के साथ आ रहे हैं एकदम। कहने दीजिए भाई, अपना अपना वोट है, विचार है, हमारा जो है अपना, हम आपको बता दिए अपना स्थिति। चलिए, तो ये चाचा जी का है और मेरा बोलो क्या देख रहे हैं आप? हम तो देख ही रहे हैं कि आपसे सीधा बात बोले कि हम साहु जी हैं, अपना हम लोग का एकजुट है, हम लोग का मोदी का देखते हैं। साहु जी के किधर जाएगा वोट सपोर्ट? सब साहु जी का जो पार्टी खड़ा होगा उसी को देंगे हम लोग। हाँ, मतलब जो भी पार्टी खड़ा होगा, जैसे हाँ यहाँ आप देख रहे होंगे कि पवन जी निर्दलीय आ रहे हैं, उसके बाद है उपेंद्र कुशवाहा जी जो है बीजेपी से आ रहे हैं। निर्दलीय के नहीं देते हैं वोट, पार्टी के देते हैं। पार्टी को जाएगा जी, यानी कुशवाहा जी के जाएगा जी? हाँ, जो पार्टी के देंगे। क्यों जाएगा? क्यों जाए? हम लोग साहु महाजन है, हम लोग केंद्र में सरकार रहेगी भाई भाजपा। हाँ। की इसलिए, और तो किसी पार्टी का सरकार बनने को नहीं है। हाँ। तो इसे दे करके क्या होगा? स्टेट में और होगा और केंद्र में होगा। हाँ। तो विकास होगा नहीं ना होगा जी? सीधे से जो है लोग ये चाहते हैं कि उनका जो मत है, वोट है, वो बर्बाद ना जाए। हाँ। देश के राष्ट्र के काम आए, काम आए। हाँ, यस, यही हम कह रहे हैं कि काम हो, विकास हो। तो अपना ही नहीं कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट दूसरा है और केंद्र में दूसरा है, तो उन लोग में खींचाता नहीं होगा, फंड भी नहीं मिलेगा, काम भी नहीं होगा, हम लोगों का वोट बेकार जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उसे। यानी नाम होने से, पावर स्टार होने से कोई फर्क नहीं ना, उसे क्या फर्क पड़ना है? पार्टी से ही रहते, किसी पार्टी से रहते, इनको मिलता बहुमत, ये इतना बात समझ जाइए। युवा क्या सोच रहे हैं? फिल्म तो देखते होंगे ना पवन जी का? हम नहीं देखते। इधर आओ, क्या आप देखते हैं? हम लोग देखते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राधे श्याम। हमका जी राधे श्याम जी। क्या देख रहे हैं, कैसे मतलब चुनेंगे आप अपने क्षेत्र का, किसे राजा बनाएंगे? तब जिसको राजा बनाएंगे, जिसको हवा बहेगा उसको राजा बनाएंगे। जो हवा में रहेंगे उसी को सपोर्ट करना है, उसी को उड़ा देना है, एकदम रॉकेट बना करके, है ना? उड़ते जहाज को उड़ाना है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट देने का? क्या मुद्दा रहेगा? क्या रोजगार जो वादा, जो लोग, जो लीडर जो है, जो नेता रोजगार के नाम पर वोट मांगेगी उसे पड़ेगी, या फिर कुछ और मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा, जो रहेगा वो देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं आपका भी मत जो है राष्ट्रहित में जा रहा है।